ये देखिए बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे वो आए हुए हैं और इस तरह से जो है संगीतमय प्रस्तुति दे रहे हैं राम के उत्सव में शामिल होने के लिए। देश जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भारत में फिर से, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम के जो शुभ पावन प्रतिष्ठा का वक्त है उसमें बहुत कम वक्त बचा हुआ है और इसके लिए जो तैयारियां हैं आप देख सकते किस तरह से जोश लोग के अंदर है। ये लोग जो है वो पुणे से आए हुए हैं और ये वाद्य यंत्र लेकर आए हैं जो लगातार यहाँ पर राम मंदिर पे जो राम पथ है, जो राम मंदिर का गेट है, वहां पर इस तरह से संगीत जो है वो बजा रहे हैं। 5 पीढ़ियों से लगातार ये काम करते हुए आए हैं और इस तरह से राम के लिए यहाँ पे आए। आप लोग कहाँ से आए हो? हम पुणे से आए, ये हमारा 5वीं पीढ़ी है और ये राम मंदिर में आने के मेरे को बहुत सेवा है, इधर बहुत आनंद आ रहा मेरे को आनंद नहीं। हमारा 5वीं पीढ़ी है और पुणे से जो इधर से आया पुणे से क्या यहाँ पे आए हैं राम, हाँ राम मंदिर के लिए। कुछ बजाइए आप। ये देखिए बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे वो आए हुए हैं और इस तरह से जो है संगीतमय प्रस्तुति दे रहे हैं राम के उत्सव में शामिल होने के लिए। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जो है वो आए हैं और ये इस तरह से अपने वाद्य यंत्रों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं अयोध्या में और अयोध्या में जो जश्न है उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। तमाम और सारे लोग हैं यहाँ पे जो हमारे साथ हैं। अभी आप लोग जो है कुछ गा रहे थे, कुछ गा के सुनाए हमें, कुछ गा के सुनाइए, आप सुना रहे थे अभी भजन जी। भजन जय श्री राम। राजू भैया जी जी, गणेश राजू जय श्री राम। धन्य है हम आज भारत माता को, आज धरती को प्रणाम करते हैं। अयोध्या राम जी ने कहा कि मेरी अयोध्या मुझे मिल गई है जी। ये तो 30 साल पहले मिलना था जो हम गलत कर चुके हैं, जो हमारे कार सेवक कई संतों ने आज प्रणाम आहुति की है। तो एक भजन सुनाइए आप उनको। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से भगवा बहलाएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो। कहाँ से आए, कहाँ से आप लोग? हम तेलंगाना से आए हैं और आदिलाबाद जिले से आए हैं और हम ये बहुत खुश है कि पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड आज अयोध्या को देख रहा है। भारत तेलंगाना से हैं? बिल्कुल, हम बुंदेलखंड से हैं। जी बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? बुंदेलखंड से हैं। तो अलग अलग देश के हर हिस्सों का रंग जो है आपको इस अयोध्या में आकर दिखाई देगा। लोग अलग अलग तरीके से इस उत्सव में शामिल होना चाहते हैं और इसलिए बड़ी संख्या में अभी भी देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग रंग दिखाई देंगे, देश के तमाम हिस्सों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ये माता जी है, माता जी आप कहाँ से आई हैं? मैं इस समय नर्मदा परिक्रमा करके हरियाणा गई, हरियाणा से फिर आई हूँ। हाँ। पूरा भारत का परिक्रमा करके और नर्मदा तट का परिक्रमा करके फिर आई। तो कब से कर रही है परिक्रमा? 2 साल हो गया जब से धारशिला रखी गई, तब से परिक्रमा। हाँ, पर हर जगह अयोध्या मथुरा काशी सब जगह का परिक्रमा करती करती फिर लास्ट में नर्मदा तट गई हूँ। अच्छा। योगी मोदी के लिए, हम अपने योगी मोदी के लिए परिक्रमा लगा रहे हैं। अच्छा, पूरा क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारा भारत स्वतंत्र हो जाए, हमारा हिंदू स्वतंत्र हो जाए। हाँ। और विश्व गुरु बने और हिंदू राष्ट्र बने। गुरु जी आए हैं राम के, राजा राम की नगरी से आए हैं, ओरछा राजा राम की नगरी है। आप ये प्रभु श्री राम की नगरी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ओरछा से आए हैं। ये सरकार की हमारे यहाँ भगवान श्री रामलला को हमारी रानी कुंवर गणेश यहाँ से लेकर के गई थी और ऐसा किंवदंती इतिहास भी है कि जब बाबर की सेना ने आक्रमण किया था अयोध्या की धरती पे और तात्कालिक सेवादार पुजारी राम जन्मभूमि के श्यामानंद दास बाबा थे, जब उन्होंने देखा कि बाबर की सेना ने मीर मियां बाकी ने, अफजल जलाल शाह ने और मोहम्मद मूसा ने आक्रमण कर दिया, तब बाबा को बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि उन्होंने जलाल शाह को शिक्षा दी थी, मोहम्मद मूसा को भी शिक्षा दी थी। तो तात्कालिक श्यामानंद दास पुजारी जी महाराज रामलला को गोदी में लेकर के सरयू जी में कूद गए थे
और ऐसा संतों का मानना है कि रामलला उस समय जो सरयू जी में विसर्जित हुए थे वही रामलला रानी कुंवर गणेश को गोदी में प्राप्त हुए थे और वही रामलला जो है कि हर पुख्य पुख्य चलते हुए ओरछा धाम पहुंचे थे। इसलिए रामलला सरकार राम राजा के रूप में ओरछा में विराजमान है और रात्रि विश्राम अयोध्या करने के लिए आते हैं महाराज। अब तो भव्य मंदिर बन गया, अब तो प्रतिष्ठा होने जा रही है। बिल्कुल भव्य मंदिर बन गया और केवल मंदिर नहीं बना, और हम हमेशा कहते हैं ये मंदिर उस समय मंदिर नहीं तोड़ा था बाबर की सेना ने, मुगलों की सेना ने, उस समय हिंदुओं के अहंकार को तोड़ा था, स्वाभिमान को तोड़ा था, और आज मोदी योगी जी की जोड़ी ने हिंदुओं का मंदिर नहीं बनाया है, हमारा अहंकार, हमारा स्वाभिमान, हमारी अखंडता को स्थापित किया है। आज मंदिर नहीं, आज सनातन धर्म की धुरी स्थापित होने जा रही संपूर्ण ब्रह्मांड में, और हमारा ध्येय वाक्य एक ही है, राम जी का काम है, राम जी करा रहे, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। लोगों की भावनाएं क्या है और इन भावनाओं को समेटे हुए लोग जो है आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नव भारत, अयोध्या।